स्थानीय पुलिस लाइन मैदान में जिला कबड्डी संघ के तत्वावधान में 69वीं मध्य प्रदेश इंटर डिस्ट्रिक्ट सीनियर मेंस स्टेट कबड्डी चैंपियनशिप 2022 का भव्य शुभारंभ हुआ। शुभारंभ कार्यक्रम के पूर्व कबड्डी चैंपियनशिप में हिस्सा लेने प्रदेश के विभिन्न जिलों से आए कबड्डी खिलाड़ी महात्मा गांधी स्टेडियम में एकत्रित हुए। अपनी कबड्डी यूनिफॉर्म में एकत्र हुए खिलाड़ी नगाड़ों की थाप और गुदुम नृत्य के साथ स्टेडियम से मार्च पास्ट करते हुए नगर भ्रमण पर निकले। नगर भ्रमण के दौरान जिले के सभी खेल संघ सांस्कृतिक एवं सामाजिक संस्थाओं द्वारा पुष्प वर्षा कर खिलाड़ियों का स्वागत किया गया। नगर के प्रमुख मार्गों से होता हुआ यह मार्च पास्ट पुलिस लाइन में समाप्त हुआ, जहां कबड्डी चैंपियनशिप 2022 की औपचारिक शुरुआत केंद्रीय इस्पात एवं ग्रामीण विकास राज्य मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते के मुख्य आतिथ्य व राज्यसभा सांसद संपत्तिया उइके की अध्यक्षता में हुई। इस चैंपियनशिप में प्रदेश की लगभग 75 टीमों ने हिस्सा लिया। 900 खिलाड़ियों ने और देश के विभिन्न प्रांतों से 50 नेशनल और इंटरनेशनल एम्पायर शामिल रहे। ये एक प्रकार का हमारा 69वां ये जो कबड्डी प्रतियोगिता है, सीनियर कबड्डी प्रतियोगिता, अंतर जिला कबड्डी प्रतियोगिता का जो आयोजन हो रहा है मंडला में, और इसकी तैयारियां जब हम कर रहे थे तो उस समय इस प्रकार की कल्पना भी हम लोगों ने किया था, और शायद इसका ही ये परिणाम है कि आज उद्घाटन के अवसर पर यहाँ हमारे खिलाड़ियों को और मध्य प्रदेश के जो हमारे खिलाड़ी हैं सीनियर कबड्डी खिलाड़ियों को एक अवसर मिला है, और इसमें जो यहाँ से सिलेक्शन होगा तो राष्ट्रीय स्तर पर ये सारे खिलाड़ी जाएंगे जो जिनका चयन होगा। तो एक प्रकार का हमने नए तरीके से हमारा जो कुश्ती संघ है, ये कबड्डी संघ है, इसने इसे कार्यक्रम को अपने हाथ में लिया है, और मैं इस आयोजन के सारे लोगों को भी, समिति के लोगों को, हमारे डी संघ के अध्यक्ष को भी, उनके पूरी टीम को बधाई देता हूं कि एक अच्छा एक प्रकार का हमारे जो खिलाड़ी हैं उनको ये अवसर प्रदान किया है, और हम देखेंगे आज 28 और 1 को इसका समापन भी होगा, उस समय सारे निष्कर्ष निकल कर के आएंगे। तो हमने आज केवल उद्घाटन के अवसर पर मैंने सबको शुभकामनाएं दिया है, और एक खिलाड़ी भावना के साथ में हम इस मैदान में जितने भी हमारे खिलाड़ी आए हैं, जितनी टीमें आई हैं, सबको हमने शुभकामनाएं दिया है, और प्रदर्शन अच्छा हो यह हमने अपेक्षा किया है सभी खिलाड़ियों से। मंडला से प्रदीप दुबे की रिपोर्ट।